नमस्कार, ज्ञान भी वरदान भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हमें हमारी इच्छाएं पूरी करनी होती है, लेकिन इच्छाएं पूरी करने का रास्ता कौन सा है? कोई भी शॉर्टकट नहीं है। किसी भी चीज का कोई भी शॉर्टकट आपको कभी सफलता की तरफ नहीं लेकर के जाता है। अब यकीन मानिए कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी इच्छाएं तो पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी पूर्ण करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है उस चीज को पाने में, जो चीज हम बहुत ही शिद्दत से आस्था से चाहते हैं कि हमें मिल जाए। लेकिन कई बार हो सकता है कि आपके प्रोसेस में कोई कमी रह रही हो, जो आप तरीका अपनाते हैं हो सकता है उसके अंदर कोई कमी रह रही हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अभिषेक करना है, भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, सही तरीका यूटिलाइज करना है। आप जो इच्छा चाहते हैं वो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। अब ये नहीं कि अभिषेक आप एक कर रहे हो और इच्छाएं जो है दस रख दे। आपके अगर काम रुकते हैं, ये वो इच्छा पूर्ण होगी से अगर आपका कोई भी काम रुकता है। यानी कई बार क्या होता है कि हमारे सारे काम पूरी को रुके होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसे लास्ट मोमेंट में कुछ चीजें रुकी होती है जिसकी वजह से आगे गाड़ी ही नहीं बढ़ पाती। यानी वो काम के लिए आपको दिन रात मेहनत भी करनी पड़ रही है, चक्कर पे चक्कर भी लग रहे हैं, फाइल पे फाइल भी बन रही है, लेकिन उसके बावजूद हर्डल से यानी एक कोई ऐसा ब्रेक है जो बीच में ही अटक जाता है सारा काम, वो आपके काम को फुलफिल नहीं होने देता है। दही और गंगाजल, दही और गंगाजल, ये ध्यान रखिएगा, इससे आपने भोलेनाथ का अभिषेक करना। हर शनिवार को शाम को सूर्य अस्त के बाद आपने ये अभिषेक किसी खास मनोकामना के लिए करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो आपने ये पूर्ण करने के लिए इसका इस अभिषेक का प्रयोग करना है। और उसमें भी खास मनोकामना में कौन सी, कि आपका कोई एक काम है जो बार बार बीच में रुक रहा है, जो आगे रास्ता ही नहीं बनने दे रहा, ये उसके लिए ही अभिषेक किया जाएगा। अब आपको करना क्या है, गंगा जल लेना है और गंगा जल कम से कम आपने ये देखना है जो भी लोटा आप लेंगे वो लोटा आधा आपका गंगा जल से भरा होना चाहिए और आधे में आपने उसमें दही डालना है। दही और गंगा जल इसे आपने अपने साफ हाथों से मिलाना है, जैसे एक छाछ की तरह आप बनाते हैं ना लस्सी, लस्सी की तरह फॉर्म बनानी है और उसके बाद आपने एक धार बनानी है, उस धार को टूटने नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा। धार टूटेगी तो काम रुकेगा, पहले ही आपके काम रुके हुए उसी काम की क्लियरिटी के लिए आप इसका अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये धार को बार बार ब्रेक करेंगे तो काम में अड़चने फिर से आना स्वाभाविक होंगी। आपने जब ये अभिषेक करना है तो धार बनानी है एक, और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते जाना है और एक धार से आपने ये अभिषेक करते जाना और उसके बाद सारा कंप्लीट लास्ट में लोटे का जो जल होगा जिसमें मिक्स है, यानी गंगा जल है जो उसके अंदर मिक्स है दही, वो सारे का सारा आपने उड़ेल देना। यानी ब्रेक होगा तो काम रुकेगा, ब्रेक नहीं होगा तो धीरे धीरे आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। कम से कम 16 सोमवार आपने इसे अभिषेक को करना है, 16 शनिवार को आपने इस अभिषेक को करना है। हर शनिवार को ही आपने ये अभिषेक करना है और हर शनिवार जब भी आप अभिषेक करें काले कपड़े नहीं पहने होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, काले वस्त्र पहन करके आपने अभिषेक नहीं करना है, इसके अलावा कोई परहेज नहीं है। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी कार्य को करते समय बार बार रुकते हैं, मुड़ते हैं या फिर आप उलझ जाते हैं किसी चीज में, तो इसका मतलब यह है कि आपके रास्ते कठिन हैं, आपके लिए जीवन में थोड़ी सी स्ट्रगल की जरूरत और है। जब हमें कोई मिशन पाना होता है, कोई चीजें अचीव करनी है, तो उसके लिए एक जिद्दीपन होना बहुत जरूरी होता है, तो आपने इस अभिषेक को ब्रेक नहीं करना है। अब कई बार होता है कि हम यहाँ नहीं है जी, हम वहां जा रहे हैं, तो वहां जाकर के अभिषेक कर सकते हैं। भाई शिव तो हर जगह ही है,
शक्ति तो हर जगह ही है, तो यहाँ हो कहाँ हो जहीं भी हो वहीं कर लीजिएगा। हर शनिवार को आपने 16 शनिवार लगातार इस अभिषेक को करना है। यकीन मानिए जो काम बार बार रुकते हैं वो काम आपके रुकना बंद हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। मेरी अगली वीडियो का आप इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।